दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। और आज जो कबूतर आपको सेल्स वीडियो में नज़र आएंगे वो हैं ललसरे कबूतर, अम्मलसरे कबूतर, कल्दुमे कलसरे, जालदार टोक वाले और इवन कल्दुमे कबूतर भी अवेलेबल हैं। तो सारे वीडियो को, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और शौक कीजिएगा। और सारे कबूतर सेल्स के लिए अवेलेबल है, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। जहाँ तक भोपाल से ट्रेन जाती है वहाँ तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी। और सारे कबूतर जो हैं लीगल तरीके से भेजे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद और आपको हर एक जोड़े का शौक करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पेयर आप देखिए, छापदार अम्मलसरे कबूतर, और इनको छापदार ललसरे भी कहा जाए तो कोई वो नहीं है। तो ये पहला पेयर है, इनकी आँख का शौक करा देता हूँ मैं। ये आँख और तो ये अम्मलसरा पेयर था, मैं इनको बाहर निकाल के भी दिखाऊंगा। इस बार जो है बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपके सामने सारे कबूतर हैं, तो इनको बाहर निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो ये नीचे उतार दिए मैंने, अब इनकी आप खड़त देख सकते हैं। ये फीमेल है और ये मेल है, तो इनकी चलत फिरत सब चीज़ें आप आराम से देखिए और अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों जो भी पेयर आप डिसाइड करते हैं वो पहले अपने सीनियर्स को भी दिखा लें और अपने उस्ताद वगैरह को दिखा लें, क्योंकि आजकल सबके साथ 2 से 5 उस्ताद जुड़े हुए रहते हैं, सब क्वेश्चन करते रहते हैं अपने उस्तादों से। तो उनको ज़रूर दिखाएं ये पेयर, सबसे पहला पेयर था ये। और चलिए अपन चलते हैं दूसरे पैर की तरफ। आज ललसरों का ख़जाना है, ललसरे कबूतर आज आपको खूब बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेंगे। तो ललसरे कबूतरों के अंदर आज ये दूसरा पैर, आज आपको बेहतरीन ललसरे कबूतर देखने को मिलेंगे। ये फीमेल है और इस साइड जो खड़ा है मेल है। इनकी आँख भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कोशिश करता हूँ कि आँख बिल्कुल क्लियर आए। ये फीमेल की आई से नाक भी देखिए आप, और ये मेल है। तो ये सेकंड पेयर था, चलिए इनको बाहर निकाल के और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं अब नीचे आ गए ललसरे कबूतर, ये नर और पीछे मादिन। तो ये सेकंड पेयर ललसरे कबूतरों का आप देख सकते हैं अच्छे से घूमते फिरते हुए इनको। तो चलें अपन तीसरे पैर की तरफ। दोस्तों पूरे वीडियो बने रहिएगा, ललसरे कबूतर और आज कल्दुमे कबूतर, कई कबूतर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तीसरा पैर है एक और ललसरे कबूतरों का, सिर्फ इनकी गर्दन गर्दन लाल है और दुम में हल्का सा कालापन है। तो देख सकते हैं आप ये नर को और ये मादिन को, ये मादिन है, मादिन की आँख दिखाता हूँ मैं आपको। और बेहतरीन परवाज़ वाले कबूतर हैं सारे के सारे जो ललसरे आज आपको दिखाए जा रहे हैं, और इनके बच्चे भी अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। ये नर है और ये फीमेल। तो चलिए इनको बाहर निकालता हूँ मैं। तो ये आ गए बाहर ललसरे कबूतर, देख सकते हैं इनकी खड़त देखिए, इनकी चलत देखिए, ये इसके साथ लगी हुई है। तो ये तीन जोड़े ललसरे कबूतरों के, और चौथा एक एक्सपेंसिव पेयर मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों आपको। चौथा पेयर जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये तीन पेयर जो है ये अफोर्डेबल रेंज में हैं। तो चलिए आपको चौथे पेयर की तरफ लेके चलता हूँ मैं। दोस्तों ललसरे कबूतरों के अंदर ये चौथा पेयर देखिए आप, ये फीमेल है आगे और ये मेरे घर की उड़ी हुई कबूतरी है, 4.5 से 5 घंटे अभी दिए हैं इसने। और पीछे मेल है जो कि ब्रीडर में रखा हुआ था, वो ब्रीडर है प्योर, और ये फीमेल इसके साथ लगा रहे हैं। तो ये चौथा पेयर है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो चलिए अपन इसको बाहर निकालते हैं। तो अब देख सकते हैं आप ये नर है जो ऊपर चढ़ा है,
और ये फीमेल है जो इसके साथ लगेगी। तो चले दोस्तों, अब आपको अम्बल सरे कबूतरों का शौक कराता हूँ मैं। तो दोस्तों एक ये जोड़ा देखिए आप, ये नर जो है मेरे मेन कबूतरों में से है और इसी की माँ से जो है आगा नस्ल कायम करी है मैंने। जो मेरे घर की आगा नस्ल है वो इसकी माँ से बनी हुई है, इस ललसरे के माँ से। और ये फीमेल भी बहुत बेहतरीन उड़ी हुई है कबूतरी। और दोस्तों चाहें तो इस जोड़ को बना के आप इनके बच्चे भी उड़ा सकते हैं, और पहले इनको उड़ा के चेक करें तो आपको एहसास हो जाएगा कि जोड़ बहुत सटीक बैठी है। क्योंकि जिस तरीके से जोड़ लगाई जाती है उस लिहाज से जोड़ लगी गई है। ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये 5-5 नंबर की जोड़ थी दोस्तों। तो इनको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ अभी आपको, तो आप खुद देखिए। तो ये नीचे आ चुके हैं नर और मादिन। ये फीमेल है, ये फीमेल की खड़त देखिए आप, काटा करती हुई मादिन है और नर थोड़ा सा वजूद में बड़ा हुआ, लेकिन बेहतरीन उड़ान है दोनों की, नर और मादिन दोनों की। ये बैंडेड कबूतर है मेरे घर के और ये जोड़ा बहुत बेहतरीन कबूतरों में से है। अगर आप चाहें तो ये जोड़ा 5वें नंबर का जोड़ा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 पेयर हो गए दोस्तों। चलिए 2 पेयर और दिखाता हूँ मैं आपको, और इसमें ललसरे कबूतर ही दिखाता हूँ मैं आपको, या ललसरे काशनी कबूतर जो कि अभी स्टोरी पर डाले थे वाला पेयर मैं आपको शो करवाता हूँ। तो ये फीमेल और ये मेल, ये ललसरे काशनियों में से बना हुआ है कबूतर, और ये फीमेल अम्बलसरे और ललसरों में से बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसके हर चीज़ देख सकते हैं आप, पर परगत पंजे हर चीज़ बेहतरीन कबूतरी है ये। उसके साथ जो कबूतर डाला है वो भी बेहतरीन कबूतरों में से है, जो उड़ान के लिए मुकम्मल कबूतर होते हैं उनमें से है ये कबूतर। तो चलिए 6 पेयर की तरफ चलते हैं अपन। तो दोस्तों ये 6 पेयर है आज के सेल्स वीडियो का। ये ललसरे कास्ती कहना इन्हें ज़्यादा बेहतर होगा, इनमें लाल मिले हुए हैं। नर जो है बहुत कड़क हड्डी का है, बॉडी का है, जो मजबूत बॉडी जिसे कहा जाता है उसका है। और जो मादिन इससे सेट लगाइए इसके अंदर बहुत नाजुकपन है, बहुत नरम नाजुक है। तो कह सकते हैं एक बॉडी बिल्डर से एक अपन ने बिल्कुल कमसिन मादिन लगाइए ताकि जो रिज़ल्ट आए बच्चों में वो बेहतरीन आए। ये कबूतरी है और ये प्योर टोक वाले कबूतरों में से है काशनी कबूतरी। लाल डोरे लिए हुए आँखों में, तो आँख और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये नर की आँख आ जाओ बेटा दिखा दो ज़रा, और मादिन ज़रा चंचल पनी है। तो चलिए बाहर निकालते हैं इनको अपन। तो ये मादिन बाहर आ गई, अब आपको इजली नज़र आ जाएगी ये, इसकी चलत, इसकी बॉडी स्टेंस ये आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन कबूतरियों में से है ये कबूतरी, उड़ान के लिहाज से भी और नर भी प्योरली उड़ान के पर्पज़ से ही है बेहतर। तो इनके बच्चे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो ये आज का 6 पेयर था दोस्तों काशनी ललसरे कबूतरों का, और मादिन प्योर टोक वालों में से निकली हुई है कबूतरी। तो दोस्तों ये 7वां पेयर कल्दुमे कबूतरों का, कई दोस्त लोगों की ख्वाहिश थी कल्दुमे कबूतर, तो हल्के से कालेपन पे हैं ये कबूतर, लेकिन कल्दुमे कबूतर हैं और बहुत बेहतरीन जोड़ा है ये कल्दुमे कबूतरों का, देख सकते हैं आप। और बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ के हैं, स्मॉल साइज़ के कल्दुमे कबूतर हैं। तो चलिए इनको बाहर और निकाल के दिखाता हूँ मैं कल्दुमे कबूतर। तो ये बाहर आ चुके हैं, ये फीमेल लगी हुई है इसके साथ, और ये मेल है, मेल के बाजू के पर अटक गया शायद इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो इसके पर वो खोलता हूँ मैं ज़रा, तो आप देख सकते हैं सही कर दी उसके पर मैंने। और जिनको पसंद है सिर्फ उड़ान वाले बच्चे लेने की, तो वो ये कल्दुमा पेयर चॉइस कर सकते हैं। ये 7वां पेयर था कल्दुमे कबूतरों का। तो चलिए एक और पैर आपको और दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो टोक वाले कबूतरों की ख्वाहिश रखते हैं वो ये पैर देख सकते हैं,
ये पेड़ टोक वाले जालदार कबूतरों का है, क्योंकि जालदार कबूतरों की ख्वाहिश कई लोगों को होती है और प्योर जालदार कई मिल नहीं पाते। नर देख सकते हैं आप, ये नर की आँख, ये नर है और ये फीमेल है। तो ये टोक वाले जालदार कबूतर, चलिए इनको बाहर और निकालता हूँ मैं। ये फीमेल है, और ये मेल नीचे आ गया। मेल देख सकते हैं आप, तो ये सातवां पेयर था। और सारे ललसरे कबूतर, अम्बलसरे कबूतर, कल्लुमे कबूतर और टोक वाले जालदार कबूतर, आज हर तरीके के कबूतर आपको शो करने को मिलेंगे और सारे सेल्स के लिए अवेलेबल हैं। इवन एक जोड़ा कास्टनी ललसरों का भी डाला है। तो ये सारे कबूतर थे जो अवेलेबल हैं आज सेल्स के लिए। तो स्क्रीन पे ऑलरेडी नंबर दिया गया है, आप चाहे तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप व्हाट्सएप करें, स्क्रीनशॉट लें, जो कबूतर पसंद है उनको उसका स्क्रीनशॉट लें। और डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, भोपाल से लेकर जहाँ तक ट्रेन जा रही है वहाँ तक डिलीवरी आपको मिल जाएगी स्टेशन पे, पार्सल ऑफिस पे। हर कबूतर अपना लीगल तरीके से अपन बेचते हैं, बिना लीगल तरीके से कबूतर नहीं बेचते। तो दोस्तों, इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल का या व्हाट्सएप मैसेजेस का, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।